हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो आज हम देखेंगे और एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि आया है वो SSSC के वेबसाइट पे। तो कौन सा रिक्रूटमेंट आया है? तो ये रिक्रूटमेंट आया है कंबाइंड रिक्रूटमेंट, जो जिसके अंडर में एक पोस्ट नहीं है, कई सारी पोस्ट है, ठीक है। तो और वो पोस्ट भी बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट है, आप जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, 10th और प्लस टू ही चाहिए। अगर आप 10th और प्लस टू किए हैं तो ज़रूर इस जॉब पे अप्लाई कीजिए। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही इजी है, तो अगर आप अप्लाई किए तो ज़रूर इसमें कुछ मेहनत किए, पढ़ाई किए तो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं वीडियो। तो आगे देखने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए रिक्रूटमेंट के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि क्या आया है और क्या क्या कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा उसका तरीका है, फुल डिटेल्स, ठीक है। तो देखिए, ये आया है ओडिशा सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो इसका जो आया है वो आया है हमारे 30 सितंबर को, ठीक है। ये देखिए, इवेंट्स है जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है या फिर जो री रजिस्ट्रेशन करना है या फिर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये कब से स्टार्ट हुआ है? डेट है 1 तारीख, ठीक है, अक्टूबर 1 से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट है 21, मीन्स हमारे पास सिर्फ 21 डेज है। सो इसमें क्या क्या कैसे करना है ये आगे बताऊँगी, तो आगे वीडियो को देखते रहिए। तो ये जहाँ जो भी आया है एप्लीकेशन फॉर्म, ये आया है हमारे SSSC की गवर्नमेंट वेबसाइट पे। तो ये कौन कौन सा पोस्ट आया है? ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा पोस्ट आया है, तो इसमें 5 पोस्ट है। तो फर्स्ट है स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वाइवर, सेकंड असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आर्मी फॉरेस्ट गार्ड, एक्साइज कॉन्स्टेबल। तो इसमें बहुत अच्छा वैकेंसी आया है, जिसमें कि देखिए स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वाइवर में 529, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर 576, आर्मीन में 538, फॉरेस्ट गार्ड 806, एक्साइज कॉन्स्टेबल 392। कुल मिलाकर हमारे पास है 2841 पोस्ट। सो ये पोस्ट को कैसे अप्लाई करना है देखते हैं। तो अप्लाई करने से पहले हमारा इंटरेस्ट होता है कि सैलरी के स्केल में, तो ये देखिए कौन कौन सा पोस्ट कितना कितना सैलरी है। तो फर्स्ट स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वाइवर के लिए है हमारा मंथली रेमुनरेशन है 8750, पे स्केल है 18000, जो कि पे स्केल 3 में लागू होगा। उसी तरह असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर का सैलरी है 8880 और उनका पे स्केल देखिए इतना है और ये लेवल 4 के अंडर में आएगा। उसी तरह आर्मीन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना कितना है, फॉरेस्ट गार्ड का है, ठीक है, एक्साइज कॉन्स्टेबल का है, तो सैलरी भी बहुत अच्छा है। तो इसमें ज़रूर सभी लोग अप्लाई कीजिए। तो इसके लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है? मैं पहले ही वीडियो में बोल रही थी कि इसके लिए ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वाइवर के लिए एज कितना चाहिए? 21 से 32, एंड क्वालिफिकेशन चाहिए प्लस टू। देन असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए भी उसी सेम एज ग्रुप है और उसके लिए भी चाहिए, अगर आप प्लस टू किए हैं या फिर इक्विवेलेंट CHSE किए हैं और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन अंडर स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। प्लस टू के लेवल में जो है, अगर आप उसे सब किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। देन थर्ड में आया आर्मीन, एज सेम है, इसके लिए भी चाहिए प्लस टू। फॉरेस्ट गार्ड 18 to 32 ईयर्स, उसके लिए 10th पास चाहिए, और एक्साइज कॉन्स्टेबल के लिए भी 10th पास चाहिए, ठीक है। तो अगर आप SC ST ओपन कैटेगरी SC BC हैं तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन का कुछ होगा 5 ईयर,
देन अगर आप पीडब्ल्यूडी डिजेबल हैं तो उसके लिए रिलैक्स होगा 10 ईयर का। तो फ्रेंड्स इसमें और एक बेनिफिट क्या है, इसमें कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं है। जी हाँ, इसमें एग्जामिनेशन फी जो है वो बिल्कुल मुफ्त है, फ्री, जीरो बैलेंस में आप अप्लाई कर सकेंगे। सो फॉर माई बेनिफिट्स तो आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए। और इसका देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन कब है, 21 को बोला ना, 21 तक ही ये अवेलेबल हो पाएगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे, मैं आपको बता दूं, ये हमारी जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो OSSSC गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आएगा। तो आप www.OSSSC.gov.in उसी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। अगर आप न्यू यूजर हैं तो उसमें न्यू यूजर का क्लिक करके आप एप्लीकेशन मेन्यू में यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करके अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप पुराने कस्टमर हैं, पहले अप्लाई कर चुके हैं OSSSC में, तो आप री रजिस्टर लॉग इन करके इसमें अप्लाई कर सकेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में डिटेल्स में बता दूंगी। तो इसके लिए देखिए प्री रिक्विजिशन फॉर रजिस्ट्रेशन कितने कितने केबी का चाहिए, यहाँ पे ऑल डिटेल्स दिया हुआ है। फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। सो जब हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करेंगे तब हमें कोई भी सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी देना नहीं पड़ेगा, ऐसे कि हम एग्जाम जाने के वक्त भी कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब होगा, जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे तब जाके आपका फाइनल एग्जाम के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वही सब चेक होगा, वेरीफाई होगा, ठीक है। हमारे और एक डाउट क्या होता है, प्लेस एंड डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट। तो मैं आपके बता दूं कि जो भी रिटर्न टेस्ट होगा वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा, और जो डेट टाइम वेन्यू है वो सब कुछ हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट डेट है क्या, कि हमारे एग्जाम जो है रिटर्न एग्जाम कब तक हो जाएगा, नवंबर 21 को, ठीक है, ऑल डिस्ट्रिक्ट में ये कंडक्ट की जाएगी। तो हमारा एडमिशन लेटर कहाँ से हमें मिलेगा, उसी वेबसाइट से मिलेगा, OSSSC.gov.in में। आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के उसी में से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ जानने के लिए हम क्या करेंगे, OSSSC.gov.in उसी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहेंगे। तो ये तो हो गया ऑल टोटा। तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, सिलेक्शन प्रोसेस होगा रिटन टेस्ट में, ठीक है। इसमें होगा हमारा 180 मार्क का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, OMR Sheet में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये सब सब्जेक्ट है और इतना इतना क्वेश्चन आएगा, ऑल टोटल मार्क है इतना, ठीक है। 3 आवर्स का एग्जाम लेना है और इसमें जी 0.5 मार्क का अगर रॉन्ग हो गया तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्जाम दीजिए। इसमें जो भी एग्जाम का रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो 10th क्लास के बेसिस में आएगा, तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो देखिए कितना परसेंटेज मार्क आपको रखना होगा। तो अगर आप ST SC PWD एक्स सर्विस मैन स्पोर्ट्स पर्सन कोच भी हैं तो आपको रखना पड़ेगा 30%, और अगर आप इसमें से बिलोंग्स नहीं करते हैं तो आपको रखना पड़ेगा कितना, 35%, ठीक है। तो आपको रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो हमारे जो सारे पोस्ट है
इसमें अगर आप क्वालिफाई कर गए रिटन टेस्ट तो आपको आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो हमारा दो पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड एंड एक्साइज कॉन्स्टेबल, इसमें आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट जैसे रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और स्विमिंग, ये सभी होगा। ठीक है, और क्या हाइट वेट मेजरमेंट होगा, तो उसके हिसाब से कुछ रिलैक्सेशन है फॉर फीमेल कितना, मेल कितना, ST SC अदर SC BC का कितना कितना, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए रनिंग, लॉन्ग जंप, स्विमिंग, साइकिलिंग कितना करना है, वॉकिंग कितना करना है, देखिए मेल फीमेल के हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है। तो इतना हो गया हमारा रिक्रूटमेंट के बारे में, आप जान गए ऑल टोटल सब्जेक्ट। तो कहाँ कहाँ पे कितना कितना पोस्ट निकला हुआ है ये देखिए, ये हो गया हमारा ऑल टोटल पोस्ट जो निकला हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे जॉब के रिलेटेड ऑल टोटल इन्फॉर्मेशन, जितना है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।